तो सेकंड फ्लोर पे हम आ गए हैं, यहाँ पर लिफ्ट से देख सकते हैं, डिजाइन दिखा दीजिए, बहुत ही अच्छे फ्लैट है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया है उन्होंने। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, तजुमुल भाई बता दे कि खुद का मटेरियल इनका, खुद का 8 फ्लैट्स है, 8 फ्लैट है, 4, 6 और मैं आपको बताता हूँ टोटल 6 फ्लैट ये भी ये। इसमें अपना फायर सेफ्टी के लिए दिया गया है, दिखा फ्लोर आपको। आइए हम यहाँ पे फ्लैट देखते, आइए, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। तो यार ये सपना है यार, एक्चुअली हर किसी का सपना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सैंपल फ्लैट है, देख सकते हैं, तो वाओ। और आपने फ्लैट को देखा है, उसकी कंडीशन देखा है, वाओ एक्चुअली वाओ है। तो वाओ सारी चीजें हम पूछते हैं, अभी प्राइस रिलेटेड पूछते हैं और सारी हम चीजें डिटेल में, जो कुछ छूट गई है। सबसे मेन बात बिल्डिंग ये देख सकते हैं, फर्स्ट ए और बी विंग। अच्छा ये ए विंग है, ये और ये बी विंग। अच्छा ये बी विंग है, लव यू ऑल। मैं आ चुका हूँ नेरल स्टेशन, नेरल जंक्शन, बिल्कुल ये नियर बाय माथेरान आता है। तो ये एक ट्यूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, और अभी चलते हैं, अभी देखते हैं सारी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं, मैं नेरल स्टेशन में खड़ा हूँ, और ये मैंने अभी आपको बोर्ड दिखाया इसका, पूरा स्टेशन है नेरल का, नए नए प्रोजेक्ट मिले हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और टूरिस्ट प्लेस है माथेरान जैसे। तो बहुत ही अच्छे, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो का एंड तक, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। चलिए आप देख रहे हैं जीशान अली व्लॉग्स। फाइनली आप देख सकते हैं, मैं पीछे पीछे पैलेस नहीं है, ये बहुत ही अच्छा सोसाइटी है और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेरल में। तो नेरल में आपने देखा सारी डिटेलिंग मैंने बताया, यहाँ पर जो मैं प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि बिकॉज हर एक का सपना होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो माँ बाप हो, कि उनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज हो, अच्छे फ्लैट हो। ठीक है, मुंबई और नवी मुंबई में आप देखोगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा भर गया है। ये फर्स्ट टाइम है मेरा ये प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैं इस पर सडनली काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत पहले से मैं इस पर रिसर्च करा था, और मेरी इनसे जो यहाँ पे जो मेन यहाँ की जो ये बनाने वाले ओनर्स है जो प्रोजेक्ट के, इनसे मेरी काफ़ी टाइम पहले से मेरी बात हुई थी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। पहले भी आके मैंने सारी डिटेलिंग मैंने चेक किया, वेरीफाई किया, सब सही लगा, उसके बाद मैं आपके पास में आ रहा हूँ ये प्रोजेक्ट लेके। तो जो कहीं भी कहीं से भी इंडिया से कोई भी कोने से आप लोग देख रहे हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, शायद उनके सपने पूरे हो जाए। तो बोलते हैं ना, सपने आपके भरोसा हमारा। तो मैं आपको मिलाने वाला हूँ जो यहाँ के जो इंचार्ज है, उससे मैं आता हूँ। तजुमुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे तजुमुल, आपका नाम बताइए। मैं तो बता, मेरा नाम तजुमुल मोहम्मद है। हाँ, मैं यहाँ पे लगभग 6 साल से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ का प्रॉपर लोकल रहने वाला हूँ। प्रॉपर लोकल है। तो तजुमुल भाई, ये प्रोजेक्ट है, इतना प्यारा सा प्रोजेक्ट बना हुआ यहाँ पर जी, और ये रेडी पोजिशन में। तो हमारे व्यूवर्स को किस तरह से ये आप बताओगे, क्या उनको पेमेंट कैसा करना होगा, कैसे उनको देखना होगा, सारी चीज़ें, क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर हमको मिलेगी, मुंबई से कोई भी कोने से, इंडिया के कोई भी कोने से जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो रहना चाहता है, आप बेझिझक आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी है और मुझे बहुत सेटिस्फाई। सबसे बेस्ट पार्ट बात हूँ, बहुत पीसफुल जगह है यहाँ पर और नियर बाय माथेरान है, 1 किलोमीटर की दूरी पर माथेरान है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ये। आप देखो कि मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नवी मुंबई और मुंबई पूरा फुल हो गया है, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से। मैंने कुछ लोगों से रिव्यू भी लिया है पर्सनली जाके, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो तजुमुल भाई क्या बताएंगे, अपना बुरहान हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट है जो गए 1.5 साल में चालू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया और हम लोग ने यहाँ पे पोजीशन भी दे चुके हैं। तो चलिए बताएं कुछ तजुमुल भाई, बताएंगे। और सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्टेशन से नियर बाय में है, स्टेशन से नियर बाय 1.5 किलोमीटर। नहीं नहीं भाई, ये 500 मीटर के अंदर ही है, 500 मीटर के अंदर ही आपको आएगा। और सारी चीजें बता दूंगा, जेन्युइन है बिल्कुल, आप बेफिक्र है, क्योंकि मैं और इसकी मेन आपको एक खासियत बताना चाहता हूँ, जो इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना, ये सबसे टॉप क्वालिटी है। हाँ, ये भी मेरी बात थी बैठ के इनके ऑफिस में, इनका जो सबसे मेन है ना, इनकी क्वालिटी, इनका खुद का क्वालिटी है, इनका मटेरियल खुद का, पूरा ब्रिक वर्क से काम हुआ हुआ है, नो ब्लॉक जीरो ब्लॉक। तो चलते हैं अंदर, यहाँ पे अपना कुछ कमर्शियल्स भी है और रेसिडेंस में, यहाँ पे रेडी पोजीशन में 2 या 3 फ्लैट्स है, ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। आइए चलिए अंदर चलते हैं। सो मैं अभी अंदर आ गया हूँ गेट पे, और बिल्कुल यहाँ पर ना बच्चों के लिए भी स्पेशली यहाँ पर आपको किड्स प्ले मिलेगा, जोन मिलेगा। अभी मैं लॉबी दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे पार्किंग्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी, और अभी पार्किंग, अच्छा उधर पीछे ही पार्किंग है। आइए, तो ये देख सकते हैं लॉबी है, लॉबी में आपको लिफ्ट आएगा, देख सकते हैं कंप्लीटली बहुत ही वाव है, ब्यूटीफुल है, लवली है। ये पार्किंग आपको एरिया मिलेगा यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं, हल्का सा ऊपर भी दिखा सकते हैं,
ये देखिए बहुत पूरा माउंटेन व्यू मिलता है आपको, पूरा माउंटेन जो माथेरान का आप देखोगे ना पूरा व्यू पीछे मिलेगा और बहुत पीसफुल सैंपल फ्लैट दिखा दे। सैंपल फ्लैट अभी आपको दिखा दे, ये रेडी पोजीशन में है, तो मेरे को तो पैलेस लगा बहुत अच्छा है कि मैं नीचे भी आके अपने बच्चे लोग भी हम यहाँ पे खेल सकते हैं विदाउट कोई अली, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिला हुआ है। लीफ रूम है अपना, सॉरी मीटर रूम है, ये मीटर रूम यहाँ देख सकते हैं, मीटर रूम है बिल्कुल एकदम पैक है, और यहाँ पे फिनिशिंग और बहुत ही क्लैरिटी दी हुई, यहाँ पर कोई भी मतलब गंदगी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल लिफ्ट आएंगे यहाँ पर विद पावर बैकअप, पावर बैकअप भी, पावर बैकअप भी। तो चलते हैं अभी लिफ्ट के अंदर, तो आई मैं लिफ्ट के अंदर आपको ले चलता हूँ। आई तो सेकंड फ्लोर पे हम आ गए हैं, यहाँ पर लिफ्ट से देख सकते हैं डिजाइन दिखा दीजिए, बहुत ही अच्छे फ्लैट है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया है उन्होंने, और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं कजमुल भाई बता दे कि खुद का मटेरियल, इनका खुद का मटेरियल यूज किया गया है यहाँ पर, और हैवी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया। कजमुल भाई कितने फ्लैट है फ्लोर पे? ये फ्लोर पे चार फ्लैट है, ये जो बी विंग है और ए विंग जो है अपनी वहाँ पे अपने आठ फ्लैट है, और आठों फ्लैट के बाजू बाजू में डक दिया गया हुआ है, जैसे दो फ्लैट को लग के एक डक दिया गया जो बड़ा स्पेशल डक है जिससे आपको बदबू वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब चीजें किए। तो अभी बी विंग में और ए विंग अभी आपने बताया ना, जैसे तो अभी हम बी विंग में खड़े हैं, और क्या क्या है यहाँ पे फैसिलिटीज? बी विंग में टोटल वो एक फ्लोर पे आठ फ्लैट्स है, आठ फ्लैट चार छह और बैक, मैं आपको बताता हूँ टोटल छह फ्लैट, इसमें अपना फायर सेफ्टी के लिए दिया गया है, पर फ्लोर आपको फायर सेफ्टी के लिए दिया गया, फायर सेफ्टी के लिए भी है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको और एक चीज दिखा दूं, यहाँ देखिए ये चीज ना मैंने बहुत टेक्सचर किया हुआ है, बहुत कम बिल्डर्स करते हैं जो टेक्सचर, इससे अपना पानी वगैरह का कभी लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये क्वालिटी को और इम्प्रूव करता है। ओके जी, तो ये नजदीक से दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, तो देखिए टेक्सचर वॉल दी हुई है, बहुत ही जैसे इन्होंने बताया कि क्वालिटी पे बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि खुद का क्वालिटी मटीरियल है। आइए मैं आपको और एक कुछ दिखाऊँ यहाँ पर, ये मार्बल फिनिश है जो पैसिफिक, आप बड़े बड़े आप जाओगे बॉम्बे साइड में अच्छे लोकेशन में बहुत कॉस्टली रहेंगे, इनसे प्राइस भी हम पूछेंगे, तो वीडियो का एंड जरूर देखिएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये भी एक फ्लैट है, ये भी दिखा दीजिए, ये सोल्ड आउट है यहाँ पर, ये है और अभी हम पर सैंपल फ्लैट है। ये देखिए स्पेस देखिए कितना अच्छा है कि आप बाहर अपने अपने जो भी एक्सेसरीज है आपके फुटवेयर जूते वो आप रख सकते हैं यहाँ पर, बहुत क्लीन क्लीन है मतलब बहुत हाइजीन। आइए हम यहाँ पे फ्लैट देखते आइए, वाओ वाओ ब्यूटीफुल। तो यार ये सपना यार एक्चुअली हर किसी का सपना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सैंपल फ्लैट है देख सकते हैं, ये व्यू क्या ये रहेगा कसमुल भाई? ये माथेरान है यहाँ से, हाँ इसको जी हाँ आप बताइए, ये माथेरान व्यू है यहाँ से आपको परमानेंट व्यू है, मैं पकड़े तो आपको जजमेंट नहीं मिलेगा। ये माथेरान व्यू सर देख सकते हैं, ये माथेरान व्यूज आपको आएगा, एक बालकनी है, बालकनी है, बालकनी है, आइए नजर से दिखाइए, आप चेयर ओपन करके बैठ सकते हो, यहाँ से आपको ये माथेरान दिखे सामने, ये लिविंग रूम है, लिविंग रूम है, और आपको मैं अंदर भी दिखाता हूँ, आइए स्पेशियस किचन है, वाह वाटर वॉल टाइल्स अलाइव है, ये नियर क्लोजअप से दिखा दीजिए नियर बाय, टाइल्स की फिनिशिंग का चाहिए आपको, टाइल्स की फिनिशिंग की बताइए काफी अच्छी है, यहाँ देख सकते हैं बेसिन आएगा आपको, यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ देखना कॉमन वॉशरूम, ये देख सकते हैं ये इंग्लिश बाथरूम है, अच्छा किसको भी जनरल जो बाथरूम है वो भी अवेलेबल है, जी अवेलेबल है हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपना एक्चुअली इसका जो खासियत है यहाँ पे अपना मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम जी बिल्कुल, तो देखिए ये किचन है ना जी, ये किचन है, आइए तो ये देख सकते हैं बेडरूम है, आइए ये इसको क्या कहेंगे बेड, आई थिंक ये बेड है, ये बेडरूम है आपका, और कबर्ड है, ये एक कबर्ड दिया हुआ है, और बाकी जैसे कि कुछ बेडरूम, अच्छा ये फर्नीचर जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, ये जस्ट सैंपल के लिए बनाया गया है जी, ठीक है ये अपना, आइए अंदर आइए अंदर आइए, ये देखिए आपको एक टॉयलेट बाथरूम है जो मास्टर बेडरूम के लिए खास दिया गया है एक्स्ट्रा जी, ये मास्टर बेडरूम के लिए मतलब जो बेडरूम है उनको बाहर नहीं जा सकता जाना पड़े, उनके लिए बेडरूम में ही यहाँ पे टॉयलेट के लिए सेफ्टी होता है, हाँ बेस्ट रहता है, कमन की बहुत सेफ्टी है जी। तो अच्छा यहाँ से भी आप व्यूज देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये फ्लैट बना हुआ है, आइए ये भी दिखा दीजिए, इनका मटेरियल दिखा दीजिए, राजस्थानी डिजाइन में वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मटेरियल है ये, अभी आपको मॉडल किचन वगैरह करना हो तो ये एक्स्ट्रा चार्ज लेकर किया जाता है, आप कर सकते हैं जी करके दे, मतलब आपको कुछ ऐसा मॉडर्न स्टाइल में चाहिए तो ये भी कंज्यूमर भाई आपको करके देंगे, तो फर्नीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ऐसे आना फ्लैट लेके साथ में और मॉडर्न फर्नीचर देखना है तो आप ये भी अवेलेबल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है मतलब इतना स्पेस है किचन का कि मैं घूम सक रहा हूँ यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर रखने के बाद हाँ सही बात है मूव कर सकते हैं, यहाँ पे बेसन भी मैंने शॉप किया, बेसन के अंदर गया, वेरी गुड बहुत क्लास है ब्यूटीफुल, पीओपी बताइए ऊपर का, पीओपी ऊपर दिखा दीजिए, हाँ ये देख सकते हैं पीओपी मटेरियल्स भी इन्होंने
यार जैसे मैंने बताया, तजमुन भाई बता रहे हैं कि जो चाहता है इससे मॉडर्न फर्नीचर भी वो भी करके देंगे। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं टीवी का भी सिस्टम इन्होंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पर टेबल आप डेकोरेशन कर सकते हैं, यहाँ पर काफी चीजें आप रख सकते हैं, शोकेस रख सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, बाकी ड्रॉ है जिसमें आप सारी चीजें रख सकते हो अवेलेबल। हाय लव यू ऑल माय ट्रू फैमिली। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ रेडीमेड सैंपल दिखाता हूँ। तो मैं बैठा था ऑफिस में, सर से बात कर रहा था और यहाँ पे सारी चीजें एक सैंपल सिर्फ यहाँ पे दिखा दीजिए। ये है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो के इसमें डालूंगा। आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, आइए आइए। आपने तो देखा होगा वहाँ पे काफी अच्छा फ्लैट है। ये यहाँ पे हमारे तजमुल भाई बैठे हुए, सन तजमुल भाई, तो हमने तो इनसे बात की थी, अभी हम बैठ के कुछ चीजें देखेंगे जी। तजमुल भाई से हम बात करेंगे और हम कुछ वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, सबसे मेन बात मैं बता दूंगा अगेन से कि इनका खुद का क्वालिटी मटेरियल्स है जो बहुत ही जेन्युइन है। और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मुंबई और वाशी पूरा फुल हो रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर आके अपने फ्लैट बुक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बुक कर रहे हैं, तो वाव। और आपने फ्लैट को देखा है, उसकी कंडीशन देखा है, वाव एक्चुअली वाव है। तो वाव सारी चीज हम पूछते हैं, अभी प्राइस रिलेटेड पूछते हैं और सारी हम चीजें डिटेल में जो कुछ छूट गई है। सबसे मेन बात बता दूं, तजमुल भाई ने मुझे एक भी बताया, वो भी बताएंगे आपको, यहाँ पे भरोसा है। ठीक है, वीडियो का मकसद जो फ्लैट यहाँ पे सेलिंग करने वो भरोसा, आपको भरोसा, राइट मैं सही बोल रहा हूं? आप बताइए। जैसे कि अपना ये प्रोजेक्ट है जहाँ भी हम लोग ने बुरहान जो देखे थे जो कंप्लीट में, ये अभी रहमान के नाम से मेरे पास रेडी प्लान है ये। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज फैसिलिटीज हमारे फैसिलिटीज, जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट लोकेटेड है ये दामद गांव में, तो ये नेरल स्टेशन से हार्डली 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में पड़ता है, और इसका एक कनेक्टिविटी सेलू से है जो आपको 1.5 किलोमीटर पे पड़ता है, तो 2 स्टेशन कनेक्ट है ये प्रोजेक्ट के लिए। और पिकअप, हाँ जी, आपको पिकअप एंड ड्रॉप मिल जाएगा, अवेलेबल है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि अभी हम लोग की डिस्कशन चल रही है और ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट ही है जो भी अपनी डिस्कशन हुई है, वो हिसाब से कि जब भी अपने हैंडओवर करेंगे सोसाइटी तो एक गाड़ी दी जाएंगी जो सोसाइटी को, जो सर्विस को जाने वाले आने उनको पिकअप एंड ड्रॉप सोसाइटी की तरफ से मिलेंगे। तो अच्छा, मतलब यानी आप फ्लैट जब बुक कर लेते हो तो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज भी है, जो सर्विस करता है वो आपको लेके भी आएंगे, और मतलब स्पेशल पिकअप एंड ड्रॉप रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा, मॉर्निंग में 2 टाइम्स जाएंगी गाड़ी और 2 टाइम्स शाम में, जैसे कि 4 टाइम्स होगा दिन में। और भी मैंने बहुत सी चीजें देखी, बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, खुद भी एक ब्रांड है यहाँ पर बुरहान, एक ब्रांड है खुद का मटेरियल से, मैंने बताया था। और ये कुछ मैं आपको चाहूंगा ये दिखाने के लिए हमारे व्यूअर्स को, आइए जरा दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ये देख सकते हैं ये रहमान कॉम्प्लेक्स है, लिव लग्जरी नेचर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे व्यू जो है ना बहुत क्लाइमेक्स ऑसम व्यूज आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। ये देखिए नियर बाय माथेरान है, ये प्रोजेक्ट है इनका, और यहाँ हमारे सारे एमिनिटीज है जिसमें क्लब हाउस, जिम, पार्टी हॉल, स्विमिंग पूल, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, गजेबो बहुत मैंने बहुत रेयर देखा ये। मैं आपको इसको बता दूं, गजेबो एक जो हमारे एजेंट फैमिली होती है, जो सिटीजन सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए इन्होंने अलग सा पार्क बनाया है, बिल्कुल, तो वहाँ पर भी आप अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, घर से आप बाहर बैठ सकते हैं, बच्चों के लिए प्ले गार्डन भी है, यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक आएगा, प्रोजेक्ट सिक्योरिटी कैमराज भी है, गार्ड्स भी मिलेंगे आपको, कैमराज है, पार्किंग एरिया, ठीक है, आपको साथ ही साथ यहाँ पर मस्जिद भी है और कॉलेज भी मिलेंगे, पीवीआर थिएटर्स भी अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा, डी मार्ट वगैरह के भी पटेल मार्ट से, फैमिली बास्केट है नियर बाय में आपको 2 किलोमीटर के अंदर 3-4 मार्केट्स है अवेलेबल। तो सारी फैसिलिटीज है, तो बिल्कुल देर क्यों कर रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, अपने कॉल फटाफट बुक करिए और आइए अपने सपनों के घर बुक करिए। अच्छा, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बैठिए ना, ये हमारा सबसे मेन बात ट्रस्ट भरोसा है, क्योंकि मैं खुद जुड़ गया उनसे, निशान अली भी जुड़ा है इनसे, तो सबसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सारी सर्चिंग की है, सारी मैंने क्लियर आउट किया ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं भी जुड़ा हूँ इनसे। तो और कुछ आपको बोलना है कि आपको भरोसे के लिए एक दिखाया जाए, जो पहला अपना प्रोजेक्ट था बुरहान के नाम से, तो ये हम लोग ने 1.5 साल में उसको पोजीशन दे चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जितने भी फैमिलीज है अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, सब हैप्पी जी। और हम लोग का जो मकसद है, मकसद क्या है, जो हम लोग का मकसद है, हम दुआएं लेना चाहते हैं, सबसे मेन पॉइंट इनका मकसद है दुआ। और प्राइजेस के रिलेटेड आप कुछ बताएंगे? जी, प्राइस होने वाला है जो अपना स्टार्टिंग प्राइस है 1 BHK का, वो 17 लाख ऑल इंक्लूसिव है, उसमें एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अच्छा, और भी ब्रोकरेज चार्जेस है क्या? नहीं, यहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज है, यहाँ ब्रोकर चार्जेस नहीं, यानी 0 अभी तो क्या है यार, क्यों सोच रहे, फटाफट कॉल करिए, अपने ऑर्डर्स बुक करिए, और यहाँ पे आपको 2 BHK एंड 1 BHK अवेलेबल होने वाला है, दिखा सकते हैं यहाँ पे अपना 3D में है, ये 3D इन्होंने डिजाइन किया है, ऐसे आपको फ्लैट्स आएंगे, और 1 BHK 17 लाख में और 2 BHK अपना 27 लाख में है, जो ऑल इंक्लूसिव, उसमें 1 रुपया भी आपको ऊपर नहीं देना है। अच्छा जी, EMI सिस्टम अवेलेबल है? जी, EMI सिस्टम अवेलेबल है, जैसे अपने इसमें कॉम्प्लेक्स में 3 विंग्स है, ए, बी और सी, तो फर्स्ट विंग जो है उसमें आपको 2 इयर्स का EMI मिलेगा, और सेकंड बिल्डिंग में आपको 3 और थर्ड बिल्डिंग में आपको 4 इयर्स का, मतलब टोटल 48 मंथ तक आपको इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट जी।
अच्छा शुरू में कैसा अगर हमारे व्यूअर्स जो आते हैं बुकिंग अमाउंट जैसे बुकिंग अमाउंट अपने 50,000 रुपीज रखे हैं 50,000 जी जी और उसके बाद आपको कुछ दिन का एक मिनिमम टाइम दिया जाता है जैसे वीकली या 15 डेज का 10 से 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा उसमें आपको 35% पेमेंट करना है 35% पेमेंट करना ओके और कुछ जो व्यूअर जानना चाहते हैं जैसे हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जैसे बुरहान आपने देख ही चुके हो टेक्सचर में और सेम आप दिखाइए यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ जैसे कि हम साइट विजिट करेंगे वहाँ पे दिखाइए कैब भाई ब्रदर जैसे कि मस्जिद मदरसा और बाकी चीजें जैसे कॉलेज है मेन गर्ल्स के लिए कॉलेज बनाया गया है जी बिल्कुल यार बहुत अच्छी बात है यहाँ पे आपको नियर बाय में 4 मस्जिद जैसे के नमाज के लिए 4 मस्जिदें हैं 2 से 3 मदरसे हैं और कई और छोटे मोटे मदरसे हैं और उसके बाद नियर बाय में स्टेशन है बाकी चीजें आपको घर पे आ जाती है जैसे फिश हो मटन हो चिकन हो ये सब चीजों के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह बिल्कुल माथेरान है कुछ हम स्ट्रक्चर जी बिल्कुल चलिए ना आइए वहाँ पे देखते वहाँ से रास्ता पूरा होके लास्ट एंड तक कॉन्क्रीट रास्ता होगा जो ये 30 फीट का होगा ये सब यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है यहाँ पे आपको क्लब हाउस आएगा और क्लब हाउस के बैक साइड में हम लोग ने स्विमिंग पूल किया है ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई मतलब आगे तकलीफ ना आए किसी को भी आराम से स्विमिंग कर सकता है और इस साइड हम लोग की विंग आएंगे ठीक है विंग आएंगे डी और सी विंग आएंगे और जो बन रही है वो हम लोग की ए और बी विंग है आपने बताया था गजेबो भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए गजेबो बनाए जाएंगे जैसे कि सीनियर सिटीजन नहीं कोई भी बैठ सकता है सब कोई मतलब वो गेट रहेगा जो हम मेन एंट्रेंस रहेगा और ये हमारा पूरा लैंड पार्सल है ये पूरा लैंड पार्सल है।